वर्ड जो पाकिस्तान है वो 10 टाइम जो प्रिंट होगा, 10 वैल्यू जो ना वो यहाँ पर आएगी, डेटा रजिस्टर में डेटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ये सेगमेंट रजिस्टर है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये मेन मेमोरी की वो इन्फॉर्मेशन जो वहां पर होगी कोड सेगमेंट की, वो यहाँ पर स्टोर करता रहेगा 16 बिट में, उसकी लोकेशन को, एड्रेस, क्योंकि कोड सेगमेंट एक से ज्यादा होंगे मेन मेमोरी में, डेटा सेगमेंट एक से ज्यादा होंगे स्टैक। तो यहाँ पर कौन से डेटा रखा हुआ है, कोड सेगमेंट कौन सा वाला है, तो करंट कोड सेगमेंट कौन सा है उसकी वैल्यू को यहाँ रखेगा, एड्रेस को यहाँ रखेगा। फिर आ जाए ये चार रजिस्टर ऐसे हैं, SP और BP, SI और DI। क्या करते हैं, पॉइंटर रजिस्टर कहलाते हैं और इंडेक्स रजिस्टर कहलाते हैं। SP का मतलब है स्टैक पॉइंटर, इसका दूसरा नाम है टॉप ऑफ स्टैक, टॉस कहलाता है, TOS, टॉप ऑफ स्टैक कहलाता है, यानी कि स्टैक की पोजीशन कौन सी है इसका, ये वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, तो इसलिए जो है ये ऊपर वाली वैल्यू पर पॉइंट आउट कर रहा होता है कि कहाँ तक पहुंच चुका है। उसके बाद है बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर जो रजिस्टर है ये शो करता है, बताता है कि स्टैक की जो पोजीशन है, स्टैक जो मेमोरी के अंदर है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, क्योंकि एक से ज्यादा स्टैक है तो अभी हम कौन से स्टैक की बात कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्टैक उसका एड्रेस बताता है। तीसरा जो है वो सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये बताता है कि डेटा जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, उसकी इंडेक्सिंग कर देगा, कहाँ से लेना है डेटा, डेस्टिनेशन डेटा वापस जाएगा कहाँ पर, उसको इंडेक्सिंग कर देगा। ये चार रजिस्टर इस तरह के काम करते हैं। नाउ दो रजिस्टर जो कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, IP जिसे कहते हैं, और उसके नीचे है फ्लैग रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर क्या कहलाते हैं, हाउसकीपिंग रजिस्टर कहलाते हैं। हाउसकीपिंग इसलिए कहलाते हैं कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो बिफोर एग्जीक्यूशन, ये IP रजिस्टर हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ये फ्लैग रजिस्टर इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये कि किसी प्रोग्राम में हो सकता है स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर इस्तेमाल ना हो, लेकिन जरूरी है कि हर प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और फ्लैग रजिस्टर इस्तेमाल हो। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम ये कि इंस्ट्रक्शन किस मेमोरी के एड्रेस लोकेशंस पर रखी हुई है, उन लोकेशंस को वन बाय वन करके लोड करेगा, फेच करेगा और एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा। नाउ फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर जो है ये टोटल 16 बिट का फ्लैग है, जिसमें से 9 फ्लैग जो है वो अब तक आगे आएगा सारी चीजें। ठीक ये 16 बिट के रजिस्टर की अभी तक बात की थी हमने कि एक रजिस्टर होता है जिसमें एक AH होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है, और इसमें काम ये करना होता है कि 32 बिट का आर्किटेक्चर जब होते हैं, यानी कि 80386, अगर 386 को देखें तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो क्या आती है, वो ये आती है कि ये जो ग्रीन शेड में नजर आ रहा है बाकी के 16 बिट ये है, और उसका नया नाम क्या है, EAX, यानी कि एक्सटेंडेड AX कहलाता है, फिर वो AX नहीं कहलाता क्योंकि 32 बिट का आर्किटेक्चर हो गया, तो अब 16 से 32 बिट पे जा रहा है, तो उसमें काम सारे फिर वही करेगा, 32 बिट वाले ही कर रहा होगा फिर, ठीक है ना। IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है जबकि EIP कहलाता है, ई फ्लैग कहलाता है, ठीक है ना, उनकी वैल्यू वही रहती है, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्सेट्रा। लेकिन एक कोड फ्लैग नया नजर आ रहा है जिसको कहते हैं फंक्शनल फ्लैग कहलाता है, F कहलाता है।
लेकिन ये ग्रीन शो कर रहा है कि ये सिर्फ 8.0 3.86 के आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है। रजिस्टर इन 8.088, 8.086 एंड 286 मे बी ग्रुप इनटू फोर सेट्स, जनरल पर्पस एक्स बी एक्स सी डीएक्स, पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर एसपी बीपी एसआई डीआई और आईपी, और फ्लैग रजिस्टर जो है वो फ्लैग होता है, सेगमेंट रजिस्टर जो है कोड सेगमेंट डेटा एक्सट्रा है और ईएक्स। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं 386 की, 486 की और पेंटियम की, तो वहां पर ये आर्किटेक्चर पूरा का पूरा किस पर बेस कर रहा है, 32 बिट के ऊपर। तो उसमें से 16 बिट के अंदर ऐड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है, तो वो 32 बिट का बन गया। सर हेलो, सर आवाज आ रही है? ये हमारे पास एक जी सर, ये आपने फ्लैग का फंक्शन क्या बताया था, हाउसकीपिंग कुछ रजिस्टर्स कह में? रहे हैं? जी जी सर, वो हाउसकीपिंग रजिस्टर्स में आपने फ्लैग का क्या फंक्शन बताया था, फ्लैग रजिस्टर का? हाँ, आफ्टर एग्जीक्यूशन वो हर इंस्ट्रक्शन के स्टेटस को मेंटेन करता है। मिसाल के तौर पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, इसमें कहीं माइनस में तो रिजल्ट नहीं आ गया, नेगेटिव रिजल्ट आया तो बताएगा कि नेगेटिव रिजल्ट आया, कहीं आंसर जीरो तो नहीं आ गया है, कहीं कैरी तो जनरेट नहीं हो गई है। तो ये स्टेटस है उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या हुआ उसको मेंटेन करता है। आगे आ रहा है तफसील, मैं बताता हूँ एक एक करके, लेकिन अभी सिर्फ क्योंकि उसका इंट्रो था कि ये फ्लैग्स हैं, तो हो सकता है इसके बाद वाली स्लाइड में फ्लैग रजिस्टर की ही डिटेल आए। सही है ओके सर। अब हम इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने जो डिस्कस किया था कि कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, अब उसको मेमोरी में देखो तो क्या पोजीशन बता रहा है। कोड सेगमेंट फ्रॉम दिस पोजीशन पॉइंट आउट कर रहा है, देखें अगर वो अगर कोड सेगमेंट कितने उसका है, 64 KB का, यानी 64 KB कहाँ से, मेमोरी के कौन से एड्रेस से। तो अगर मेरा ये पॉइंटर, ये देखिए ये पॉइंट कर रहा है, हिलता हुआ नजर आ रहा हूँ, देखिए कोड सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन दिस एड्रेस, ठीक है, और यहाँ से लेकर 64K तक, यहाँ तक चले जाओ 64,000 एड्रेस यहाँ तक, तो उस ये पॉइंटर है CS में वो वैल्यू होगी जो स्टार्टिंग पोजीशन बताएगी। इस तरह डेटा सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से होगी डेटा सेगमेंट की और ये पूरा 64K तक जाएगा। स्टैक सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट और ये 64K तक जाएगा। इस तरह से एक्स्ट्रा सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम, ये शो कर रहा है कि स्टार्टिंग एड्रेस किसका कहां से। तो ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में आईपी सेगमेंट रजिस्टर, डेटा रजिस्टर या जनरल पर्पस रजिस्टर कहलाते हैं। DX के अंदर जो है वो AX में रिजल्ट आता है, BX में स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा, काउंट में CS रजिस्टर आ जाएगा, CX में काउंट, और DX में जो है वो रिजल्ट स्टोर होता है 16 बिट में, ठीक है ना, क्योंकि ये 8 बिट का है तो 8 बिट 16 बिट, और अगर 32 बिट का रिजल्ट चाहिए तो AX और DX मिलकर जो दोनों रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं। Usually stores the indirect destination. Or use an indirectly addressing source. ये है वो flag register, ठीक है, ये 16 bit का flag register है और